किचन से आगे देखते हैं कहाँ जाना है, तो आपको अपडेट करते हैं। लेकिन कहीं मत जाइएगा, स्टे कनेक्टेड विद अस। अभी हम सुचान की तरफ जा रहे हैं और व्यू साथ एंजॉय कर रहे हैं मेरे। यहाँ खूबसूरत व्यूज हैं और यहाँ से हम सुचान जा रहे हैं। सुचान जो है वो मंडा गुच्छा के रास्ते में आता है और वादिया सीरन में ही है, और वहाँ से हमने काफ़ी सालों पहले मूसा का मसला ट्राई किया था। तो अभी दोबारा हम यादें दोबारा करने के लिए आए हैं और ये मेरे पार्टनर हैं। कैसा चल रहा है आपका सफ़र? सफ़र बेहतरीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सीरन वैली इतनी दफ़ा क्यों आए हैं और दोबारा फिर सीरन वैली का इंतकाल क्यों किया है? यार, मैं सीरन वैली 2018 में आया था, तब ये जगह मुझे इंतहाई हसीन लगी थी। और अब क्या फ़र्क है 2018 में और 2024 के सीरन में? अब तो मुझे इसके जंगलों ने बहुत मायूस किया। मेरा पार्टनर कह रहा है इसके जंगलों ने बहुत मायूस किया, और डेफिनेटली अगर जंगल काट देंगे तो खूबसूरती और वो अट्रैक्शन नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली पार्टनर ठीक कह रहे हैं, और जंगल से ही मंगल है, मतलब खूबसूरती है, और जंगलों के बगैर कुछ भी नहीं है, और इसकी खूबसूरती मात पड़ती जा रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सीरन वैली के लोगों से और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट से कि जितना जंगल रह गया खुदारा इसको सेव कर लें। ये मेरी बैक साइड पे आपको जंगल नज़र आ रहा होगा, ये पहाड़ों के ऊपर जो थोड़ा बहुत रह गया है। और चलते हैं, आपको सुचान दिखाते हैं। सीरन को एक्सप्लोर शायद हम लोगों ने सबसे पहले किया 2018-17 में। गार्डन किल में आपको डोली दिखाई थी और कुछ वीडियोज़ हमारी टिकटॉक पे और सोशल मीडिया ऐप से मौजूद हैं। अभी ये डोली आ रही है सामने और हाइट तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन डिस्टेंस कम है, और वो एक बबल टाइप आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक निशानदेही है कि डोली उस साइड पे पहुंच गई और इस साइड पे पहुंच गई है। इट्स काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क। और ये डोली आ रही है और यहाँ पे डोली का भी नज़ारा ले सकते हैं अडंग केल का। तो वो व्यू नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतर है क्योंकि ये नेचुरल है और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें नेचुरल थी लेकिन रही नहीं है। तो ये डोली आ चुकी है और आपको बताऊँ 20 रुपये दूसरी साइड पर और 20 रुपये रिटर्निंग पॉइंट पर। और अभी हम जा रहे हैं अपना जो मेन पॉइंट है सुचान देखने, तो बी राइट बैक। और बल्कि साथ ही आ गया, फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सुचान, और हमें सचल सचल कह रहे लेकिन यहाँ के लोग सुचान कहते हैं। और आई थॉट के आबशार होगी, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल आबशार है, और मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई डैम बनाने की कोशिश की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बिल्कुल अकब में सुचा पे आबशार है, और ये आर्टिफिशियल आबशार है जैसे कि बताया पहले मैंने आपको। और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो इज इट सक्सेसफुल और नॉट। उसकी दूसरी साइड बिल्कुल बंद है, शायद पानी का बहाव और उसका जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो कम हो गई, इसकी वजह से ये हाइड्रो नहीं चल पाया, या चला या नहीं चला ये आई डोंट नो। तो अभी सुचा से हम खूबसूरत है, उससे ज़्यादा काम है, पीसफुल है, और ये खूबसूरती आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रीन है, लश ग्रीन पहाड़ है, सरसब्ज, और ये यहाँ पे जो आबशार बन रही है कुछ लोग यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी एक्सप्लोर तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे रश कम है और आप जो है नेचुरल ब्यूटी को यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और अभी ये डिमोलिश नहीं हुई, हाल दो ये एक्सेसिबल है, रोड बहुत ज़्यादा ठीक है, यहाँ पे कोई ख़राब कंडीशन नहीं है। और ये अभी जो वाटरफॉल गुजरती है उससे ये पीछे दरियाए सिरन में जा रही है। ऊपर देखें यार, ये चीज़ तो बताना भूल गया मैं, बहुत ग्रीन मेडोज़ है ऊपर, और ये यहाँ पे मार्क और होता नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ऊपर ये चरागाह है, ये जो मेडो है ये मार्क और की पसंदीदा जगह हैं जिन पे मार्क और आके घास फूस खाते हैं। लेकिन इसकी शर्त क्या है, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे और बर्फ़ से ढका होना चाहिए। सुचान की एक और साइड है और ये पुल है, ओ वुडन पुल, और खस्ता हाल पुल है अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। और ये अभी झूल भी रहा है ऐसे, तो मज़ीद इसे सर्कस किए बगैर
आइए आपको व्यू दिखा दूँ। ये सुचा का व्यू है और ये पीछे दरिया सिरन है और ये पुल है जो आपको बता चुका हूँ। तो ये बैक साइड से रिवर आ रहा है यहाँ पे। सो सुचा का एक्सपेडिशन यहाँ पे एंड करते हैं। नहाने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि दरियाओं का कुछ नहीं पता चलता, नदी नालों का कुछ नहीं पता चलता।